वेलकम टू माई चैनल दिए तलबा आज हम फाइव पॉइंट टू क्लास एट और उसकी सवाल नंबर आठ पे पहुंच चुके हैं ठीक है तलबा आज हम एक्सरसाइज नंबर फाइव पॉइंट टू और उसके सवाल नंबर आठ पे पहुंच चुके हैं जो कि आप खुद भी देख सकते हैं सिंपलीफाई तो सिंप्लीफिकेशन जो है ये सिंप्लीफाई ये आपका सवाल कैसा होता है आप कह सकते हैं कि आपने जो भी आपको रकम दी होती है वो आपने क्या करनी होती है जी वो आपने सिंप्लीफाई करनी होती है तो जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में सीधा सीधा क्वेश्चन यही है कि या तो आपको दी होती है कम्प्लीकेशन तरीके से तो उसको आपने सिंपल करना होता है या तकसीम दी होती है तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या किया गया है जी तकसीम का सवाल दिया गया है इस एक्सरसाइज में हमें क्या दिया गया है जी तकसीम का सवाल दिया गया है तो हमारे पास रकम क्या है हम फाइव पॉइंट एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू और क्वेश्चन नंबर एट और उसकी पहली चूज करने लगे हैं जी ठीक है तो अब हमारे पास जो रकम है वो है एक्स केयर प्लस एक्स और मनफी सिक्स और डिवाइडेड बाय है ये डिवाइडेड बाय है एक्स मनफी टू तो जी तलबा आपके पास जो ये रकम है आपने इसको क्या करना है इसको सिंपलीफाई करना है आपने इसको क्या करना है सिम्प्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास दरमियान में तकसीम की साइन है इसको तकसीम के लिहाज से हम लिख लेते हैं तो एक्स केयर प्लस एक्स वन फी सिक्स और ये वाले साइन के ऊपर हम क्या करते हैं जिसको अंदर लिख लेते हैं जी अब हमारे पास दो चीज़ें हैं आपने हमेशा याद रखना है दो चीजों को याद रखना है तकसीम होने वाला और तकसीम करने वाला तकसीम करने वाला यह मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि जब आप इन दोनों चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको सवाल हल करने में काफी मदद मिलेगी आपको स्टूडेंट्स क्या होगा जी सवाल हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी तो फर्ज करें बल्कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स केयर प्लस एक्स मनफी सिक्स ये तकसीम होने वाली रकम है और ये तकसीम करने वाली रकम है अब हम देखेंगे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन का हिस्सा क्या है तकसीम होने वाला क्या है जी एक्स केयर और करने वाला क्या है जी एक्स अब हम ये फ़ैसला करने के लिए कि यहाँ पे किस चीज़ से या किस एक्स से ज़रब देंगे तो ये जवाब कंप्लीट आ जाएगा इसको हल करते हैं तो ये एक जैसे क्या है जी वेरिएबल हैं तो इसको हमने मनफ़ी किया तो ये आपका क्या आ गया जी एक्स ठीक है तो इसको क्या करेंगे जी हम एक्स से जब ज़रब देंगे तो नीचे एक्स केयर आ जाएगा और इसको हम काट देंगे और इसको इसके साथ ज़रब देंगे ठीक है इसको इसके साथ जरब देंगे तो ये आ जाएगा मनफी टू एक्स इसका साइन हम तब्दील करेंगे और इसको नीचे ले आएंगे प्लस थ्री एक्स मनफी सिक्स ठीक है तलबा तो ये क्या हमारे पास फाइनल पे आ गया ये हमारे पास आ गया जी थ्री एक्स प्लस वन सॉरी थ्री एक्स मनफी सिक्स ठीक है तो फाइनल जो तकसीम होने वाला हमारे पास फिर क्या आ गया है थ्री एक्स और तकसीम करने वाला हमारे पास क्या है एक्स तो एक्स एक्स के साथ कैंसलाइज हो गया तो हमारे पास क्या बाकी बच गया थ्री तो यहाँ पे हम प्लस थ्री से इसको ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा प्लस थ्री एक्स और इसको इससे दे ज़रब दे देंगे तो ये मनफी प्लस के साथ मनफी और तीन को दो से जरूर देंगे तो वो छः आ जाएगा इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे इसका साइन तब्दील करके इसके साथ कैंसलाइज करेंगे लिहाजा आपके पास जो इसका जवाब आ गया है वो है जनाब एक्स प्लस थ्री देट्स योर आंसर तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ लगी होगी बैर तलबा आपने ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हल करना है बड़े ध्यान से देखना है अब चलते हम दूसरी जिसकी तरफ उतनी देर के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को तकरीबन तफसील से देखें ताकि आपको तकसीम करने में जितने भी पोलिनियल हैं उनमें आपको अगर कोई मसला है तो वो आपको मुमकिन है मेरे अल्फाज से मेरे अंदाज से आपको समझ लग सके तो उतनी देर के लिए अल्लाफ़